फैसला क्यों लेना पड़ा? भाई वो कोई फैसला नहीं, हम तो बातचीत करने खातर जान लाग रहे हाँ, क्योंकि विधायक हमारा चुने उड़ा है, हमारे किसानों के वोटों से विधायक बनया है, इसलिए आज उसके घर पर उससे जवाब मांगने खातर जा रहे हैं। भाई गाली क्यों दी हमने, 6 महीने हो गए, आज तक किसी विधायक ने, किसी एमपी ने, मुख्यमंत्री ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी गाली नहीं करी किसान के लिए, और ये पूरे देश के किसान का अपमान कराया है, और हमारे लोकल होने के कारण हम उससे पूछने के लिए जा रहे हैं भाई गाली क्यों दी, के तेरी औकात है, के तेरा महंगा बढ़ रहा, सरकार का कहने चल रहा क्या, किस कहने चल रहा, हमारी उसको जरूरत है या नहीं जरूरत है, ये सारी चीज चर्चा करके हम आज अब आपको प्रशासन के अलग भितरे बैठे थे जब सारा फैसला, जब आप नहीं बोले प्रशासन के साथ, तो हमारी लड़ाई ये नहीं दी प्रशासन के लिए, हमारी लड़ाई ये नहीं दी, हमारी तो लड़ाई एमएलए के लिए है, प्रशासन ने गाल थोड़ी बकी मारती, आप तो रह गया थोड़े पुलिस आ रही गणी, मेरे भाई ये लड़ाई जो होती है, आंदोलन जो होता थोड़े गणिया का नहीं होता, कुछ भी हो आंदोलन का किमे भी हो, थोड़े हाँ ज्यादा हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जिस काम खातर तेल फूक के आए थे वो काम हम करके, स्कूल मिला का बात आई, देवेंद्र बबली का घर जाकर जवाब मांगना, देवेंद्र बबली का घर पर जाके बैठा जाए, ना जान दिए तो रिवे, ना जान दिए तो उनकी मर्जी है, ताकत है इनका, ना जान दिए तो गाय ले जाएंगे भाई, इतना ही हो सके है, वो इनकी मर्जी है, बस सरकार है के करेगी, लेकिन अभी हमारा प्रयास ये है कि हम देवेंद्र बबली का घर पर जाऊँ। क्या बात है, बड़ी बात है, विकास सिसर जो युवा नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले से नाराज नहीं है या फिर दूसरा फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम देवेंद्र बबली के घर पे जाके उन गालियों का जवाब हिसाब मांगने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने हमारे नेताओं को यहाँ पर दी हैं। और ये देखिए आप सड़क पर ही जो वो सभी बैठ चुके हैं, और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग कर दी है, और कुछ ही दूरी पर वो देवेंद्र बबली का घर है, लेकिन उसके बावजूद किसान लगातार यहाँ पे पहुँच गए हैं, और तकरीबन अगर कैमरा आप देख पाएंगे तो युवा ही यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो हम इनके गले धक्का पाई करांगे, देखो दूर से या पुलिस लाग रही, ठीक है, एक रास्ता तो है यो लाठी घेर की, उस धक्का पाई में से ये अपना मारो से छोड़ो, एक रास्ता यो है, आंदोलन का रास्ता बता रहा हूँ आपको साफ साफ सत्ता प्रशासन भी सुना है आंदोलन के तरीके हैं, एक रास्ता तो यो है लाठी घेर की और तो चल लेंगे, यहाँ अपने चाहे नदी पे घेरो चाहे कितने पटको तो गड़िया में ठाओ किमे करो, एक रास्ता तो यो है, और दूसरा रास्ता ये है कि हम सारे जितने साथी आ रहे, जितने भी साथी आ रहे, आज हम देवेंद्र बबली के खिलाफ में सारे के सारे साथी अपनी गिरफ्तारी देवा जरूर, भाई सारे बताओ भाई देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से किसान यहां पर गिरफ्तारी करवा रहे हैं और बड़ा फैसला लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। किसान एकता, किसान एकता, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, आपने गिरफ्तारी दिया है, आपको गिरफ्तार किया गया, विकास भाई क्या है गिरफ्तारियां दी है या भाई, सरकार है इनकी, गिरफ्तार करो, लाठी मारो, गोली मारो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा, ये देवेंद्र बबली का शासन अपनी मर्जी से दी है, कैसे ये प्रशासन के साथी आपने देखा नहीं किस प्रकार से धक्के मारे थे, बदतमीजी करे थे, हमारी एक महिला को भी उठा के ले गए हैं, ये तो थोड़ी संख्या दिखती है जो है बदतमीजी पे उतारू हो जाए, प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ थे उसके बावजूद भी महिला को धक्के मारे गए हैं, ये धक्काशाही चल रही है सरकार के अंदर, देश के अंदर। तो आप क्या फैसला लोगे जी,
अभी क्या फैसला लोगे आप? अभी आंदोलन खत्म थोड़ा ही हुआ है, फैसला भी तो पूरा देश के किसान बैठे हैं, हम अंदर गए हैं, बहुत सारे साथी भीतर बैठे हैं, वो अपना फैसला लेंगे और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक काले कानून उल्टे नहीं हो जाते और देवेंद्र बबली को माफी मांगनी पड़ेगी, देश के किसान का अपमान कराया है, देवेंद्र बबली को माफी मांगनी पड़ेगी, निश्चित तौर पर मांगनी पड़ेगी।